भाई क्या गाना आ रहा है ये, सुबह सुबह निकलते के साथ ही दिन में। गाने के लिरिक्स देखो आप, अरे यार इतना ज्यादा पॉपुलर था ये सॉन्ग एक टाइम पे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डेंगरीज। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम, सबको राम राम। अभी मैं गुड़गांव के अंदर हूँ और मैं दिल्ली निकल रहा हूँ, वापस से मुझे सेंट्रल दिल्ली जाना है। और अभी दिन के बज गए हैं 12:44, 12:44 हो गए हैं, और बस घर से निकल रहा हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जैसे ही है ना ब्लॉग स्टार्ट होता है ना, लाइक कर दिए कीजिए, सबसे पहले थम्स अप के ऊपर है ना दबा दीजिए, जिससे कि क्या है मेरे को मोटिवेशन कंटिन्यू मिले। यार आप लोग देखते हैं व्लॉग और लाइक नहीं करते हैं यार, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, लाइक करा करिए। पहले आ गया हूँ यार मैं 15 सेक्टर गुड़गांव, दोस्त के घर पे। एक बार हमारा दोस्त धनिया लेने जा रहा था, तो बोला कि तू आया ही है तो तू ऐसा कर, तू मार्केट से धनिया ले आ, मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अपना ऑफिस से। मैंने कहा ठीक है चलो भैया लेके आते हैं, रिलायंस फ्रेश है यहाँ पे गुड़गांव में, उससे ये आ गया रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट जो भी है, तो यहाँ से उठा लेते हैं अपन एक बार धनिया। आ गए हैं बढ़िया रिलायंस फ्रेश के अंदर तरकारी खरीदने के लिए अपन। धनिया कहाँ है, धनिया कहाँ है, धनिया धनिया किधर है धनिया यार, इधर तो होगा नहीं। ये रहा धनिया की एक गड्डी खरीदने के लिए रिलायंस फ्रेश गया मैं। चलो कोई बात नहीं यार, जब सब्जी का ठेला आसपास में दिखेगा ही नहीं, और पहले रिलायंस फ्रेश दिख गया, बढ़िया मस्त हरा भरा धनिया ले लिया। बाकी सारे तो क्या एकदम गले हुए से और ऐसे सड़े हुए लग रहे थे, दबे हुए, तो मैंने छांट के एक जो है, मैंने कहा जो सबसे ठीक लग रहा था ना वो गड्डी उठा ली। 12 रुपए की गड्डी आई है यार ये धनिया की। बस जी निकल लिया हूँ यार दोस्त के घर से मैं, और अब जा रहा हूँ सीधे अपने घर, क्योंकि हुआ क्या अभी आपको बताता हूँ। रुको नेक्स्ट रेड लाइट पे रुक के फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एकदम बढ़िया इलाके के अंदर, बढ़िया एरिया के अंदर घर है, इस वजह से क्या है कि रास्ते भर में क्या है हमेशा पूरे रास्ते रौनक ही दिखाई देगी आपको। ये शानदार पूरे रास्ते मॉल्स वगैरह आस पास में, और बहुत अच्छी लोकेलिटी के अंदर घर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना था दोस्त के घर से फिर उसके बाद में सेंट्रल दिल्ली, लेकिन हुआ ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाया, क्योंकि क्या है बारिश आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ आने लग गई ना, कि दोस्त की मम्मी ने भी कहा कि बेटा तुम मत जाओ अभी, तुम रुक जाओ। और फिर मैं रुका रहा 1-1.5 घंटे हो गए, फिर आंटी ने क्या क्या खाएगा क्या खाएगा, मैंने कहा आंटी बाहर का तो खाना बंद कर दिया है। आंटी ने भी राजमा चावल बना रखे थे, राजमा चावल कल रात को मैं ऑलरेडी हल्दीराम्स पे खा चुका था, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो अब क्या कहोगे, तो फिर उन्होंने कहा छोले कुलचे खाने का मन हो रहा, मतलब आंटी का भी मन हो रहा था छोले कुलचे खाने का, तो मैंने कहा जी आपका मन है तो फिर ठीक है, मैंने कहा बच्चे कैसे मना कर सकते हैं, तो फिर मंगवाए। अब वो छोले कुलचे का ऑर्डर आने में ही 1.5-2 घंटे लग गए, क्योंकि डिलीवरी बॉय कहाँ से आता है यार, इतनी आंधी थी, इतना तूफान चल रहा था, खूब बारिश आ रही थी, तो वो अभी आए 15-20 मिनट पहले, और फिर अब खा के निकला हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को घर पे है ना टाइम पे पहुँचा रहता है, अभी 9:15 बज चुके हैं यार, और घर वाले कहते हैं यार 10 बजे तक तू यार टाइम पे आ जा, क्योंकि फिर क्या है बड़े वगैरह जो होते हैं बड़े बुजुर्ग उनको सोना रहता है यार, सुबह जल्दी भी उठते हैं ना। और घर के पास में पहुंच चुका हूं, और देखो यार पूरी रोड गीली हुई पड़ी है ना, और बारिश बंद हुए हुए करीब 25-30 मिनट हो गए, लेकिन आपको पीछे मैं दिखाता कितना ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई थी, बहुत सारा पानी रुका हुआ था रास्ते में गुड़गांव में। बढ़िया गाने एंजॉय करते हुए घर की तरफ जा रहा है आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त। ये जो फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने वाली पुलिया है, और लेफ्ट में ये हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, बस ये पुलिया उतरते के साथ ही, जैसे ये पुलिया उतरते हैं ना, पुलिया उतरते के साथ ही घर आ जाता है अपना एकदम बढ़िया, जस्ट पुलिया उतरे और सामने घर। ये अपने घर की रेड लाइट ही है जहां पे मैं अभी खड़ा हूं। इतने टाइम से आ रहा जा रहा हूं ना, फिर भी क्या है रास्ता बार बार भटक जाता हूं, बार बार एक पुलिया है सोना वाली उस पर चढ़ जाता हूँ, 12-15 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना पूरा, फेयर काट के फिर आता हूँ। इसलिए जस्ट अभी है ना GPS है ना एग्जिट किया है मैंने नेविगेशन, हर बार मैं है ना GPS लगा के आता हूँ, क्योंकि नीचे से कहीं से घुस के और पता नहीं कहाँ पार हो जाता हूँ हर बार। पेड़ पौधे एकदम खुश खुश हैप्पी दिखते हैं ना यार, देख के अच्छा लगता है बढ़िया। बस क्या है वाटर लॉगिंग जो होती है ना उससे थोड़ी तकलीफ आती है। और देखो आम का मौसम आ गया है बढ़िया एकदम, आम वाले कितने सारे खड़े हैं घर के जस्ट बाहर ही, आम ही आम, आम ही आम। तू मेरी आंखों में जाएंगे नए काफिले, हे हे। फाइनली रीच्ड होम, बढ़िया घर आ गए, बस चलते हैं सीधा ऊपर।
और आज के ब्लॉग की है ना यहाँ पे बस एंड करते हैं।